या दूसरा होता तो कब का मिल चुका होता। आज हमारा दलित समझकर ही अभी तक बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं दिया गया। राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है। एकदम लड़ेंगे, मजबूर कर देंगे सरकार को, ये तो स्टार्टिंग है, अभी और लड़ाई होगी। जब तक नहीं भारत रत्न मिलेगा तब तक हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। भारत रत्न तो चाहिए तो चाहिए, जिसको लिए जो भी करना होगा हम लोग रेडी है, सरकार से लड़ जाएंगे। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बिहार से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से तमाम लोग आए हैं दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने के लिए। हमारे साथ है अभी बिहार के कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन। हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या लगता है। देखिए, भारत रत्न की मांग है हमारे समाज के द्वारा, और हमको लगता है कि जो सम्मान है, उपाधि है, उसको डिजर्व करते हैं, उस लायक हैं, और हम लोग को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष आखिरी दम तक रहेगा जब तक उनको नहीं मिले। इस उपाधि मिलने से उस समाज के अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी, एक अलग ऊर्जा संचारित होगी, उस ऊर्जा से संचारित होकर वो समाज आगे बढ़ेगा। जो सबसे पिछड़ा समाज है बिहार के, जाति व्यवस्था में कहें, चाहे किसी तौर पर आर्थिक स्थिति से कहें, सामाजिक स्थिति से कहें, शैक्षणिक से, तो उस मांग के लिए हम लोग हैं। और अब आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पैदल यात्रा करके बिहार से यहां पर आए हैं, और उस सम्मान के लिए हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। और आपसे भी कहते हैं कि आप लोग भी जिस फोरम पर हो, जहां हो, ये मांग उठाने का काम करें, ताकि उस परिवार को, उस समाज को, एक जो भुइयां मुसर समाज है, जो सबसे गरीब समाज है बिहार में, उनको भी मान सम्मान बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़े। क्या लग रहा है कि इससे पहले भी ये लोग कर चुके हैं, आप लोग बहुत टाइम से उनको भारत रत्न दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार इस पे अमल क्यों नहीं कर रही है? देखिए, यही तो लड़ाई है हमारी। हमारे बिहार सरकार ने वहाँ से भेज दिया है, और केंद्र सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं, और ये जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और कब तक ये इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन दशरथ मांझी भी उसके लिए डिजर्व करते हैं, दशरथ मांझी भी उसके लायक हैं। हम चाहते हैं कि उनको मिले और हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। आपने देखा होगा सर, मेरा एक और सवाल है कि आपने देखा होगा कि आए दिन स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, मोदी स्टेडियम, फला स्टेडियम, और इस तरीके की तमाम चीज़ें रखी जा रही हैं, लेकिन जब मांझी बिहार की बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दलित समाज से है इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, बाबा दशरथ मांझी एक समाज, उस समाज से आते हैं जो SC/ST समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, लेकिन जो व्यक्ति उस अंधेरों से निकल करके, पत्थर का सीना, पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दे सकता है, तो उसके अनुयायी हम लोग हैं। हम लोग किसी समाज से आएंगे, हम लोग को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो सम्मान और उपाधि हासिल करके रहेंगे। क्या लगता है अभी आपको मिल जाएगा संघर्ष करने का, इसका परिणाम मिलेगा आप लोग को जो संघर्ष कर रहे हैं? निश्चित तौर पर परिणाम मिलेगा, क्योंकि संघर्ष करने से ही कुछ मिलता है। चुनौतियां तो आती जाती है, लेकिन उन संघर्ष करने से हर रास्ता आसान होता है। आज हमने महामहिम से मिले हैं, कुछ दिन के बाद हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, निश्चित तौर पर हमारी मांग पूरी होगी, हमको ऐसा लगता है। कुछ बात हुई है आप लोगों की, इस बारे में कुछ बोला गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, राष्ट्रपति? देखिए, आज राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि वो बात को रखेंगी, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद हम समझते हैं कि हम लोग जो जिस मांग के लिए यहाँ आए हैं वो मांग पूरी हो जाएगी। आप लोगों ने सुना, ये है कल्याण मंत्री, बिहार के कल्याण मंत्री है डॉक्टर सुमन, और अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या लगता है आपको, अभी जहाँ पे देश में हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, धर्म को लेके ये सारी चीजें हो रही है, इस बीच में दशरथ मांझी को ये मिलना पॉसिबल है भारत रत्न? जरूर, अगर हम लोग आंदोलन ढंग से करेंगे और सरकार के कान तक ये पहुंच जाएगा कि बाबा दशरथ को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मजबूर हो जाएगा और वो देंगे। लग रहा है कि अभी आप मजबूर कर पाएंगे सरकार? एकदम लड़ेंगे, मजबूर कर देंगे सरकार को, ये तो स्टार्टिंग है, अभी और लड़ाई होगी, उग्र लड़ाई हम लोग करेंगे। उग्र लड़ाई क्यों नहीं करेंगे, ये देश के लिए, ये एक समाज के लिए काम किए हैं, तो इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो क्या लग रहा है सर, कब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा?
संघर्ष बहुत ही सकारात्मक है और मुझे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं धरना स्थल पर पूरे देश के कई प्रांत के लोग आए हुए हैं और ये अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर आगे भी हम लोग का संघर्ष जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम लोग जारी रखेंगे। मैंने सुना है कि द्रौपदी मुर्मू, जैसा कि सर बोल रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी जो आदिवासी परिवार से आती है और उन्होंने कुछ पॉजिटिव राय दिया है कि हाँ हम इस चीज को रखेंगे भारत रत्न, क्योंकि वो भी आदिवासी जाति से हैं और ये भी दलित जाति से हैं और संभवतः दोनों एक ही, अगर उसको अगर देखा जाए तो दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों कमाने खाने दोनों एक ही तरह का रूपरेखा, कमाने खाने का जो स्थिति है, रहने की जो स्थिति है, दोनों एक ही है, इसीलिए दलित राष्ट्रपति भी हैं, इस बात को जरूर बहुत मजबूती से संज्ञान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, जीतन राम मांझी जी हैं और इन लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं कि पौधे हैं। ये लोग पद यात्रा के साथ साथ पौधारोपण का भी काम कर रहे हैं, एक समाज को एक सुझाव दे रहे हैं, एक अच्छी चीज दे रहे हैं कि चलो ठीक है हम पद यात्रा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ पर्यावरण को भी हम लोग स्वच्छ करेंगे, वृक्ष लगाएंगे। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग आई हैं वहीं से, तो क्या लग रहा है, मिल जाएगा भारत रत्न? मिल जाएगा, मिलना जरूरी है। कहाँ से आई? मधेपुरा जिला से आए हैं। हाँ, मधेपुरा जिला से, बिहार से? बिहार से आए। पैदल आई हैं क्या? नहीं, गाड़ी से। ट्रेन से आई? कुछ लोग पैदल भी आए। मेरे साथ एक और महिला है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। आपको मैंने अभी देखा स्टेज पे बोलते हुए, क्या नाम है आपका और आपको स्टेज पे बोलने का भी मौका दिया गया? जी, मेरा नाम है कुंती भुइया, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। दशरथ मांझी को वहाँ भी लोग जानते हैं, उनको वहाँ बिल्कुल बंगाल में भी हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, और क्यों ना जाने, ऐसा महान व्यक्ति को कोई क्यों ना जाने। ये तो ऐसा नहीं है ना कि वो कोई छोटा सा काम किए जो उनको लोग नहीं जानेंगे, पूरा वर्ल्ड जानते हैं बाबा दशरथ मांझी को। आप यूट्यूब चैनल हो, नेट में हर जगह सर्च मारिए, उनको देखिए। तो इसमें आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्क हूँ। सोशल वर्कर हैं जी। तो क्या लग रहा है, भारत रत्न मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। सरकार सुनेगी? क्यों नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। हाँ, जब तक नहीं भारत रत्न मिलेगा तब तक हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। हम लोग भारत रत्न दिलवा करके ही रहेंगे दशरथ मांझी को, इसलिए करके हम लोग बंगाल से चल करके यहाँ दिल्ली आए हैं, और अगर परिश्रमा करना पड़ा तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो हो जाए। देख सकते हैं महिलाएं, क्या लगता है? यही लगता है कि हम लोग का जो दशरथ मांझी के भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग आसनसोल पश्चिम बंगाल से आए हैं, तो भारत रत्न तो चाहिए, जिसको लिए जो भी करना होगा हम लोग रेडी है। लड़ना पड़ेगा तो उतर जाएंगे लड़ने में, इसमें कोई दूरी बात नहीं, सरकार से लड़ जाएंगे। देख लीजिए इन लोगों में जो है दशरथ मांझी के लिए कितना प्यार है, और यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आई हैं। कुछ लोग झारखंड से हैं, कुछ लोग बंगाल से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, और ये लोग भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग बिहार दिवस के दिन जो है धरना दे चुके हैं, और वहाँ से जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों ने आप लोगों को भेजा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं भेजा गया है किसी को। हम लोग अपना, आप क्यों नहीं आएंगे, बाबा दशरथ मांझी को सब अपना दिल से, कि हम लोग को एक मौका मिला है उनके लिए खड़ा होना, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो कब के दे चुके होते। लेकिन सरकार नीतीश अभी भी सरकार का मान में भिन्न भावना, अभी भी छुआछूत का जो ये सब लगा हुआ है मानसिकता, अभी भी उनका नहीं चेंज हुआ, बोल करके हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। दलित है इसलिए तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल यही बात हो सकती है। क्या कब का मिल चुका होता, क्या बोलिए लोगों को, क्या सरकार को इतना हम लोग को जंतर मंतर पे आना पड़ा, सरकार समझ गए होंगे। बिल्कुल नहीं तो अगर कोई दूसरा होता तो कब का मिल चुका होता। आज हमारा दलित
समझ कर ही अभी तक बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं दिया गया। दलित ही तो राष्ट्रपति भी है। हाँ तो देखिए बाबा साहेब जो लिखे संविधान उसके संविधान के अनुसार तो मिल जाना चाहिए, हम लोग को ये सब करना नहीं पड़ता, क्यों करना पड़ रहा लग रहा है अभी भी छुआछूत है। अभी भी क्योंकि हमारे कुछ लोग जो उतना हम लोग संविधान के बारे में नहीं जानते बोल करके तो हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कुर्सी पे तो बड़े बड़े राजनेता ही बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं बोल कर बड़े काम जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ओबीसी समाज से दलित बहुजन समाज से आते हैं। तो आज न बने हैं, आज बने हैं कुछ दिन से, इससे पहले भी तो इसी तरह होते आया है, इससे पहले से अगर आज कितने साल हो गए हैं बाबा दशरथ मांझी को पहाड़ काटे हुए, 2007 में उनकी मृत्यु हुई बिल्कुल, तो तब तक क्या कर रहे थे, इतने सारे सरकार आए गए किसी को दिख नहीं रहा। इनको लगता है कि जीतन राम मांझी जो हैं दलित समाज से इसलिए उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।